रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ कंप्यूटर इन एक्शन फ्रॉम द पेज नंबर 28, दैट इज़ कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू। जी हम सब पढ़ चुके हैं कि स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। स्टार्ट मेन्यू वो मेन्यू है जो बिल्कुल ही स्क्रीन के बिल्कुल लोअर कॉर्नर में, लेफ्ट साइड पर होता है, ठीक है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर में होता है। अब उस मेन्यू को आपने किस तरह से कस्टमाइज़ करना है, उसमें अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं आप, तो वो कैसे करेंगे, उसका तरीका अब आपको समझाया जाएगा। यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू चेंज द कलर ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू का कलर चेंज करना हम सीख चुके हैं जब हम लोग अपने पीछे डेस्कटॉप सेटिंग देख रहे थे, थीम सेटिंग्स देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि हम स्टार्ट मेन्यू को कैसे ट्रांसपेरेंट या किसी कलर में कर सकते हैं। द स्टार्ट ऑप्शन इन द पर्सनलाइजेशन सेटिंग विंडो लेट्स यू चेंज विच ऐप एंड फोल्डर्स अपीयर इन द स्टार्ट मेन्यू। यानी यही अब जो पर्सनलाइजेशन सेटिंग ही है जिसमें हम अभी तक काम कर रहे हैं, उसमें जो स्टार्ट का ऑप्शन है वो हमें बताएगा कि हमने जो स्टार्ट मेन्यू की अपेयरेंस है उसमें कौन से ऐप्स और कौन से फोल्डर्स जो हैं हम चाहते हैं कि वो ज़ाहिर हों, कौन से ऐप्स और कौन से फोल्डर्स हम चाहते हैं कि बनाओ। अमूमन यही होता है कि जो चीज़ आप रैंडमली बहुत ज़्यादा बल्कि आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो चीज़ आप स्टार्ट मेन्यू में रख लेते हैं ताकि आपको इस्तेमाल बार बार ढूंढना ना पड़े, आप वहीं से उसको जो है वो हैंडल कर लेते हैं विद वन क्लिक। डिसाइड वेदर यू वांट टू सी रिसेंटली यूज ऐप एंड चूज वेदर टू हैव स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले एज फुल स्क्रीन। ये भी फैसला कर लेते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि जो आपकी रिसेंट ऐप्स हैं वो इस पर इस्तेमाल हो रही हैं, जो अभी अभी मतलब रिसेंट ऐप से मुराद ही होती है जो आपने पहले इस्तेमाल की हो, यानी लास्ट टाइम आपने जो इस्तेमाल की हो और वो जो है वो उस पर शो हो या ना हो। और उसके बाद ये कि स्टार्ट मेन्यू जो है वो फुल स्क्रीन के तौर पे नज़र आए या ना आए। लेटेस्ट डिस्कस सम ऑफ द वेरियस ऑप्शन। तो ये बहुत से जो ऑप्शन उन्होंने हमें दिए हैं उसमें से कुछ को हम डिस्कस करें। जी सबसे पहला ऑप्शन है शो मोस्ट यूज्ड ऐप। ये मोस्ट यूज्ड ऐप जो है वो बार बार जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सेटिंग दिस ऑप्शन ऑन विल इंश्योर दैट ऐप्स और प्रोग्राम्स दैट हैव बीन यूज्ड रिसेंटली आर डिस्प्लेड इन द स्टार्ट मेन्यू। ये अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर क्या होगा कि जो भी ऐप्स या प्रोग्राम्स आपने बार बार इस्तेमाल किए या पहले रिसेंटली इस्तेमाल किए हैं वो स्टार्ट मेन्यू पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये एक क्वेश्चन भी है आपका रिसेंट ऐप्स के रिलेटेड कि अगर वो ऑफ हो जाती है तो आपने उसको किस तरह से ऑन करना है। तो ये उसका प्रोसीजर है कि आपने पर्सनलाइजेशन सेटिंग में से स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और वहाँ से आपने जो ये ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू का कि शो मोस्ट यूज्ड ऐप, इसको ऑन कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद इंशाल्लाह ये जो आंसर है आपको ये जून नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप क्योंकि उसको समझेंगे, समझने के लिए और उसको याद करने के लिए मैंने आपको ये हिंट दे दिया है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। अच्छा जी कैसे फुल स्क्रीन को स्टार्ट करेंगे। सेटिंग दिस ऑप्शन ऑन डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू इन फुल स्क्रीन। आपने अगर इस ऑप्शन को ऑन कर दिया है तो क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू जो वो फुल स्क्रीन पे आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें सारी स्क्रीन जो है वो स्टार्ट मेन्यू ने ले लिया है। उमूमन क्या है कि अगर जब आप स्टार्ट मेन्यू को ऑन करते हैं तो ये देखें ये फुल मेन्यू नहीं ले रहा होता, फुल जो स्क्रीन है आपकी नहीं ले रहा होता, लेकिन अगर आप उस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो ये सारा जो ये रिमेनिंग एरिया है इसको भी स्टार्ट मेन्यू अपने अंदर कवर कर लेगा। उसके बाद है जी चूज़ विच फोल्डर अपेयर ऑन स्टार्ट। आपने ये भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा फोल्डर है जो स्टार्ट पर ही अपेयर हो। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड चूज़ द फोल्डर्स शुड बी डिस्प्लेड इन द स्टार्ट मेन्यू। इस पर आप क्लिक करके तो फिर वो फोल्डर चूज़ कर लीजिए जो आप चाहते हैं कि स्टार्ट मेन्यू पे डिस्प्ले हो। तो ये तीन तरीके थे, तीनों तरीके आपको समझा दिए गए हैं। अच्छा जी अब हमें ये बता रहा है हमारा असिस्टेंट कि द स्टार्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज़ 8 हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज़ 10। वो स्टार्ट स्क्रीन जो विंडो 8 में थी उसको चेंज कर दिया गया है विंडो 10 में, रिप्लेस कर दिया गया है। विंडो 8 में वो स्टार्ट स्क्रीन थी और विंडो 10 में वो स्टार्ट मेन्यू बन गया। उसके बाद चेकलिस्ट है जी, इस चेकलिस्ट को करें और आपके पास ये पहले भी जितनी चेकलिस्ट मिली गुजरी हैं इनको सॉल्व करें और इसकी पिक्चर लेके आप जो है हमें सेंड करें ताकि हमें समझ आ जाए कि ये टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हो गए हैं या नहीं। अगर आपको ये क्लियर है तो आई गॉट इट, और अगर आपको ये ऑप्शन आई नीड हेल्प तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपको क्या चीज़ें जो समझ नहीं आई, ठीक है। आपने जस्ट टिक क्रॉस नहीं करना, यहाँ आप सिर्फ टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर आप यहाँ पर जो है उसका रीज़न लिखेंगे। उसके बाद आ जाए जी असेसमेंट जोन पे। अच्छा जी देखिए इसको पढ़ते जाते हैं साथ साथ। कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट पिक्चर्स विंडोज एक्सेंट कलर्स एंड साउंड्स आर नोन एज आर थीम।
चूज़ द स्लाइड शो ऑप्शन टू हैव मल्टीपल पिक्चर्स ऑन द डिस्प्ले बीइंग डिस्प्ले इन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल्स। अच्छा ठीक है, हमने पढ़ा था कि स्लाइड शो से क्या होगा कि वो जितना आप टाइम उसमें रख देंगे उतने टाइम से वो पिक्चर जो वो डिस्प्ले होती रहेगी बार बार। उसके बाद जिस पीसी ऑप्शन में आपको पता है कि एक्सेस कर सकते हैं आप लोकल ड्राइव्स में, यूएसबी में, सीडी डीवीडीज में। उसके बाद आ जाएगा पर्सनलाइजेशन सेटिंग विंडो, इसमें आप क्या कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं बैकग्राउंड को, कलर को, लॉक स्क्रीन को, एक्सेट्रा। और उसके बाद आ जाएगा वॉलपेपर, वो पिक्चर होती है जो बैकग्राउंड पे आपके डिस्प्ले हो रही होती है। उसके बाद जो ये आपके पास MCQs हैं इसके ऑप्शन जो है मैं आपको अभी मैसेज कर देती हूँ जिससे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके जून के नोट्स में मौजूद हैं, उनको देखें, उनको सॉल्व करें और याद करें अच्छे तरीके से। आ जाए एक्टिविटी जून पे, यहाँ देखें जी, वो कह रहा है कि जुनेद ने कुछ एक्शन जो है वो परफॉर्म करने हैं कंप्यूटर पे और आपने उसकी हेल्प करनी है। ठीक है जी, चेंज द डेस्कटॉप कलर टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ पिक्चर्स, ये मैं आपको करना सिखा चुकी हुई हूँ, ड्यूरेशन बता चुके हुए हैं, इसको कीजिए, ये खुद कीजिए, आप इसके स्टेप्स लिखें। या आप ऐसा कीजिए कि एक्टिविटी जून का जो आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उसकी वीडियो लें, उसकी वीडियो लेके जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो वो वीडियो मेरे नंबर पर सेंड करते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो आपने बनानी है पॉसेस ले लेके ताकि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, सिर्फ मुझे ये स्टेप्स आपने करके प्रैक्टिकली दिखाने हैं और उसको सेंड कर देना है। उसके बाद फिर आ गया जी प्रोजेक्ट जून पे, प्रोजेक्ट जून पे वो कह रहा है कि अच्छा इसको काट दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे आपको लोगोज भी चाहिए होंगे, नेम भी चाहिए होंगे, ईयर ऑफ रिलीज़ भी चाहिए होगा और ये आपको नेट से ही हेल्प जो है वो प्रोवाइड हो सकेगी। अगर तो आपके पास नेट है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसे करें, वरना ये नेसेसरी नहीं है, इसको ऑप्शनल रख लीजिए आप। ठीक है जी, तो आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इसे अच्छे से समझ चुके हैं और आप इसे लर्न भी कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स में पहले 3 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे जिसके नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 के नोट्स आपको जून के सिलेबस में दे दिए गए हैं, उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और कुछ प्रीवियस नोट्स हैं जो वो भी आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर काइंडली आस्क अस। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।